आ गया था, फिर महीने आने के बाद देख लेना कि लोगों ने या फार्मर्स ने कैसे इंटरेक्ट किया, ये चीज़ आप देख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ओके हाँ, सो ये बात हमने देख लिया था कि कुछ चीज़ें देख लें कि सबसे पहले वहाँ पर कैसर विलियम टू था। थोड़ी सी बात बताते हैं, कैसर विलियम टू वाज द किंग ऑफ जर्मनी, ठीक है। फिर कैसर विलियम टू था, फिर उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर आफ्टर दैट देयर वाज अ रिपब्लिक जिसको कहते हैं वीमर रिपब्लिक। कैसर विलियम टू को हटा दिया गया और वीमर रिपब्लिक आ गया। वीमर रिपब्लिक एक इलेक्टोरल मतलब बॉडी थी, इलेक्टेड बॉडी, और इलेक्टेड बॉडी थी और वो नवंबर 1918 में आई। वीमर रिपब्लिक कब आया? 1918 में, समझ लीजिए वहाँ पर रिपब्लिक हो गया, ठीक है कि नहीं। अब उसके बाद क्या हुआ कि वीमर रिपब्लिक के आने से कुछ प्रॉब्लम्स होने लगी, क्योंकि वीमर रिपब्लिक में उसी टाइम पे वर्ल्ड वार चल रहा था, और वर्ल्ड वार के चलने की वजह से क्या हो गया कि इट वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन इट, और जो दूसरे कंट्री थे वो जर्मनी के अगेंस्ट पे वार कर रहे थे, ठीक है कि नहीं। सो ऐसे समय में देयर वर वीमर रिपब्लिक हैड टू फेस मैनी प्रॉब्लम, द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, इसकी वजह से इस पर हार्श कंडीशंस लगा दी गई। जो वर्सलीज की संधि हुई उसमें जर्मनी अपना क्या कर रहा था, पहले उसकी 39 जो इकोनॉमिक वो थी जिसको कहते हैं कि जोलरीन, उसके जो 39 कंट्रीज थे ना स्टेट्स, जिनके साथ वो कॉमन ट्रेड करता था और उसके लिए वो कोई टैक्स नहीं लेता था, जिसको कहते हैं एक्साइज ड्यूटी। व्यापार कर होता है, एक देश से दूसरे देश में चीज जाती है तो क्या लगता है, एक्साइज ड्यूटी लगती है कि नहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। तो 39 स्टेट का उसने जर्मनी कन्फेडरेशन बनाया था, और जिन उन कंट्रीज का क्या नाम था, जोलवरीन। फिर उसने कहा जब हमारा एक जैसा कन्फेडरेशन है तो क्यों ना हम सब एक हो जाए, तो वो सब एक हो गए, ठीक है कि नहीं। जर्मनी का पहला नाम प्रूशिया था, और प्रूशिया का राजा था कैसर विलियम टू। कैसर विलियम टू के ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई थी कि क्यों ना सबको एक कर दिया जाए। तो कैसर विलियम टू ने 39 कन्फेडरेशन को एक कर दिया, और उसका नया नाम क्या दे दिया, जर्मनी। और जब ये यूनिफिकेशन हो गया देन इट एक्सटेंडेड इट्स रिजाइन, उसने अपने रिजाइन को बढ़ाना शुरू किया। पहले का नाम था प्रूशिया, उसका पहले का क्या नाम था, प्रूशिया। तो प्रूशिया का राजा कौन था, कैसर का मतलब ही होता है किंग, तो प्रूशिया। तो प्रूशिया में ये कैसर विलियम था, कैसर विलियम टू। तो फिर इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों में ये हुआ कि नहीं भाई इलेक्टोरल बॉडी होनी चाहिए, तो फिर वहां पर वीमर रिपब्लिक आ गया। वीमर रिपब्लिक आने के बाद वर्ल्ड वार टू में जब ये एक्सटेंड करने लगा अपने डिजाइन को, तो क्या हुआ कि इसके ऊपर वर्सलीज की ट्रीटी हुई, वर्सलीज की संधि हुई, और उसमें इसके ऊपर बहुत सारे क्या हो गए, मुनाफा क्या लेट हो गया, तो क्यों लेट हो गए, ठीक है कि नहीं। सो इस तरीके से इसके ऊपर बहुत सारे क्या लगाए गए, लोन देयर वर बहुत कंपनसेशन, हां बहुत रिपेरेशन भी से देना पड़ा, और टर्म्स एंड कंडीशन इट वाज वेरी हार्श एंड ह्यूमिलिएटिंग। जर्मनी के बहुत सारे जो स्टेट थे ना बाउंड्री ओवरसीज कॉलोनीज, यस ओवरसीज कॉलोनीज, तो उसकी जब्त हो ही गई ओवरसीज कॉलोनी, और उसके बाउंड्री पर बहुत सारे अलग अलग दूसरी कंट्रीज बिठा दी गई, जिससे कि ये अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड ना कर सके। और इसके अलावा वार कंपेंसेशन तो इसको 6 बिलियन पाउंड देना पड़ा, और सर उसने नहीं दिया था तो फ्रांस ने उसका मिनरल एरिया कैप्चर कर लिया था, राइनलैंड ना। तो इस तरीके से हो गया, सुनिए यूएसए ने मदद की, बट जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हो गया था तो वो हट गया, और उसने फिर जर्मनी ने बहुत सारे प्रिंट कैश नोट प्रिंट कर दिए थे, तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा आ गया। अच्छा, सो दीज वर द रीजंस हाउएवर इट कुड नॉट कम आउट फ्रॉम दिस वार रिपेरेशन। उसको अगले 90 साल तक, 90 इयर्स वाज अ वेरी लॉन्ग टाइम, 90 इयर्स तक किसी को देना पड़ जाए, ऐसी ऐसी हार्श कंडीशंस थी। सो लाइक
कंट्रीज ने ऐसी कंडीशन रखी थी कि तुमको देना पड़ेगा, तो लोगों ने इसको किसको इसके लिए जिम्मेदार ठहराया? डीमर रिपब्लिक, क्योंकि वही था ही उस समय, तो उसको जिम्मेदार ठहराया कि हमें नहीं चाहिए, हमको फिर से कोई डिक्टेटर चाहिए, क्योंकि पहले जब डिक्टेटर था तो हमारे पास पावर थी। तो वो तो बाद में देखेंगे, बट ये डीमर रिपब्लिक को लोग हटाना चाहते थे। एट द सेम टाइम यहाँ पर क्या हुआ कि जर्मन, ये सब कब हुआ, ये सब 1918 की बात है। 1918 में कौन था बताइए, क्या वीमर रिपब्लिक था? सो वीमर रिपब्लिक किस, उसने किसको रिप्लेस कर दिया था? कैसर विलियम को। कैसर विलियम को, विलियम टू को रिप्लेस कर दिया था। एंड ड्यू टू लॉस ऑफ, ठीक है, वार इन 1918 जो कि WW1 था, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज वाज इंपोज्ड ऑन इट, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज वाज इंपोज्ड ऑन जर्मनी। दिस इज नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर, नाजिज्म एंड राइज ऑफ वहाँ पे क्वेश्चन पेपर प्रिंट करके राहुल रखें, कलम देना भूल गए थे आज, ले लीजिएगा, कल नहीं दिया ना आपको, ओके। सो इट इज इम्पोज्ड, ये पॉइंट जानने जरूरी है कि व्हाट वर द पॉइंट्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के, क्या पॉइंट्स थे, ओके। अब देखो इम्पोज्ड ऑन जर्मनी, तो सबसे ज्यादा जर्मनी पर हुआ, इसने ज्यादा डिस्ट्रक्शन किया, तो इसकी वजह से क्या था, इट इज ह्यूमिलिएटिंग, इट हैज टू पे, जर्मनी हैज टू पे वॉर, हैज टू पे 6 billion dollars, so 6 billion dollars इसको पे करना पड़ा, as war reparation। दूसरी चीज क्या थी, जर्मनी कैन नॉट एक्सटेंड इट्स मिलिट्री बियॉन्ड 1 lakh, अपनी मिलिट्री को बढ़ा नहीं सकता था, जर्मनी कैन नॉट extend its military strength beyond 1 lakh, और इसके अलावा क्या था कि the war reparation it has to pay its war reparation up to 90 years, जर्मनी हैज टू पे, ये सब ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में आएगा, अगर कोई पूछे कि वर्सलीज की संधि क्या कहती है, तो जर्मनी हैज टू पे वार रिपेरेशन को कंपेंसेशन भी कह सकते हैं अगर याद ना रहे, नहीं सर उसने दिया नहीं था ना, जैसे कुल्हाड़ी से कोई चीज काट ना दी जाए, सो मोस्ट ऑफ द territories were annexed by allied power, जर्मनी सेंट्रल पावर में थी, सारी इसकी हो गई, और जो कॉलोनीज थी, सो इसकी जितनी भी कॉलोनी एक्सेस पावर में थी ना, जर्मनी जापान और इटली, जो जर्मनी था जापान था और इटली, यही तीन थे, तो ये एक्सेस या सेंट्रल पावर थी, दूसरी अलाइड पावर थी, तो इनकी हार हुई थी, तो ठीक है, और इसके अलावा सारी इसकी टेरिटरी ले ली गई, टेरिटरी, मतलब क्या है
मतलब जैसे ये जर्मनी है ना, तो जर्मनी में से ये पावर, ये पोर्शन ये निकाल दिया गया, बोला ये तुमसे कि ये फ्रांस तुम ले लो, इससे इधर बोल दिया इधर नीदर ले ले जाओ, ले जाओ है कंपेंसेशन का मतलब भाई आपने लॉस किया इसका कंपेंसेशन दो, आपसे कोई चीज टूट जाती है, आप कहीं चले जाओ माल में टूट जाएगा तो कंपेंसेशन दो, तो तुमने कुछ कोई चीज ऐसे जर्मनी में से जो दूसरों को नुकसान पहुंचाया तो उसका कंपेंसेशन लिया जाएगा कि नहीं, ठीक है कि नहीं सर, इन गोल्ड्स का। और इसके अलावा ये चीज रशिया को दे दी गई जो भी इसमें इन्वॉल्व थे, और ये किसी को दे दिया गया, तो इस तरीके से मोस्ट ऑफ द टेरिटरी एनेक्स हो गई। और इसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग स्टेट बना दिए गए, ये तो बात हो ही गई। अब इसके बाद क्या हुआ कि नाउ आफ्टर दैट, अभी ये काम चल ही रहा था 1918 में वीमर रिपब्लिक था, लेकिन 1929 से 1932 में क्या हुआ कि द ईयर ऑफ डिप्रेशन, सही आप बता रहे थे, इन 1929 to 1932 यही तो सोशलिस्ट पार्टी में भी होता है, रशिया में भी यही टाइम था डिप्रेशन का, नहीं सब जगह मुझे लगता है यही हुआ था, देयर वाज ग्रेट डिप्रेशन, इयर्स ऑफ डिप्रेशन इन जर्मनी, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि द इंडस्ट्री प्रोड्यूस प्रोडक्शन इज रिड्यूस्ड टू 40%, मोस्ट ऑफ द वर्कर्स जॉब लॉस्ट देयर जॉब, सो productions were reduced by 40%. Sir, economic crisis was. By 40%. It might be due to crash in stock exchange of Wall Street. The biggest stock exchange उस समय हाँ, उसका वो crash हुआ तो इनके भी market down हो गए सारी चीजों के। डिप्रेशन हो गया, इन्फ्लेशन आ गया, ठीक है कि नहीं? सो इस तरीके से रिड्यूस्ड बाय 40% एंड वर्कर्स 13 मिलियन स्टॉक्स बेच दिए गए थे लो प्राइस पे। अच्छा। सो एंड मोस्ट ऑफ वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब, तो लोगों ने अपने जॉब भी खो दिए, ये सारी चीज थी। सो इट क्रिएटेड deep anxiety and fear in people, this economic crisis, created deep, लोगों में चिंता पैदा कर दी थी, so deep and fear in people. अब देखिए ना होने के बाद द गवर्नमेंट कुड नॉट कंट्रोल द क्राइसिस, पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंट इन डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम, सो इंडिविजुअल पार्लियामेंट, पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन डेमोक्रेटिक, ठीक है? तो जो डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट थी, पार्लियामेंट्री सिस्टम, देखो उसमें कई क्वेश्चन बन जाएंगे, एक तो बन जाएगा कि भाई वीमर रिपब्लिक फेल हो गई तो इसमें भी क्वेश्चन बनना है, और फिर एक ये है कि ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज की क्या शर्तें हैं, अगर इकोनॉमिक क्राइसिस का दो नंबर क्वेश्चन आएगा कि क्या थी तो भी लिख सकते हो। तो अब इस वजह से क्या हुआ, ये राइज ऑफ हिटलर हो गया, नाउ दिस क्राइसिस पॉलिसी एंड सोसाइटी फॉर्म द बैकग्राउंड फॉर हिटलर, दिस क्रिएटेड an opportunity for rise of Hitler. तो हिटलर उस समय क्या था कि the Germany defeat in First World War horrified him and Versailles Treaty made him furious. तो उसने उसको धक्का पहुंचा, he joined a small group called German Workers Party which was subsequently named as National Socialist German Workers Party. देखो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है कि जो हिटलर था, सो हिटलर पूरा नाम क्या था, रडोल्फ हिटलर, हाँ एडोल्फ हिटलर,
सो हिटलर जो था वाज हॉरिफाइड बाय डिफीट ऑफ जर्मनी इन वर्ल्ड वार वन. ही फर्स्ट ज्वाइन, उसने क्या ज्वाइन किया, ही ज्वाइन नेशनल जर्मन्स वर्कर पार्टी, जर्मन्स वर्कर पार्टी को ज्वाइन किया. और विच लेटर नेम एज नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी विच वॉज लेटर नेम्ड एज जर्मन सोशलिस्ट. ओके, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी, नेशनल सोशलिस्ट तो ये था. द पार्टी केम टू बी नोन एज नाजी पार्टी. लीडर्स एंड हिटलर. नाउ अब हम लोग देखते हैं नाजी का मतलब क्या होता है, मीनिंग मालूम है, एटिमोलॉजी. हाँ, लेकिन इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, क्या चीज है नाजी वर्ड? एटिमोलॉजी ऑफ नाजी. ये नाजी मीन्स नेशनल, नेशनल सोशियोलिस्ट, सोशियोलिस्ट. तो दैट इज ऐसे है नाजी. देखो कहाँ से आया है, दैट इज नेशनल सोशलिस्ट. वो ये जेड बोलते हैं उनके. आप देखोगे अभी ये एक निक्की होटल खुला है, उसमें जर्मनी की सब रेसिपी मिलती है. होटल लिखी है यहाँ पे ना, इस रोड पे जाओ, बहुत बड़ा लिखा रहता है निक्की. ये चंद्रा होटल के बगल में है ना, वहाँ पे उसके अंदर जर्मन रेसिपी मिलती है. वहाँ एस की जगह सब जगह जेड ही लिखा हुआ है. तो सिटीजन वर्ड भी कहाँ से आया, जर्मन या फ्रांस से आया खैर, लेकिन कहीं पर भी तो या एन ए यहाँ से लिया गया, जी यहाँ से, नेशनल सोशलिस्ट से नाजी. समझ आ गई बात? होटल निक्की पर ऊपर लिखा हुआ है रेड से, बहुत बड़ा बड़ा. उसमें अंदर आप जाओगे तो सब जर्मन में भी लिखा है और रेसिपी भी जर्मन में. ये बात हो गई. तो इस वजह से यहाँ से ये वर्ड आ गया नाजी, अलग से कोई वर्ड नहीं है और इसी से इसकी आइडियोलॉजी बन गई. ओके नाउ अब जरा देखिए, दिस पार्टी वाज सोशलिस्ट पार्टी, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी लोगों की थी, जो लोगों को एक जैसा बनाना चाहती थी. एंड दिस पार्टी वाज नेम्ड एज नाजी पार्टी. इस पार्टी का क्या नाम था? दिस पार्टी वाज नेम्ड एज. नाजी किसके लिए यूज होता, किसी सोशलिस्ट पार्टी थी तो यहाँ से एन ए उठाया, यहाँ से जेड आई, तो ये सोशलिस्ट पार्टी थी. यहाँ सोशलिस्ट है ना तो हमें इसे सोशियोलिस्ट लिखना चाहिए, लेकिन अब मैंने ऐसा ही लिखना चाहिए, लेकिन फिर आप सोचोगे कि वर्ड गलत है, इसलिए मैंने अलग से लिख के दिखा दिया. सो दिस पार्टी वॉज नोन एज नाजी पार्टी. अब जरा देखिए, हिटलर इसी का पहले तो मेंबर था. नाजी पार्टी कंसीडर्ड सुपीरियर टू ऑल अदर नेशनल एंड वांटेड टू हैव इन्फ्लुएंस ओवर All over the world. It aimed at expanding Germany. It, ये पार्टी क्या मानती थी? It aimed at expansion of German Empire. और इसका क्या मानना था? And एक ये भी था, and it considers Germans are superior. Then any other race. So, Aryans are superior and the Jews are lesser. And it, ठीक है, considers that Nordic Aryans,
अभी नॉर्डिक का मतलब बताते हैं, जो मध्य एशिया से आए हुए हैं नॉर्डिक आर्यंस आर सुपीरियर एंड यू आर एट देन एनी हां वो एंड पर है एनी अदर रेस यानी किसी भी जीन से सबसे ज्यादा सुपीरियर है। एटिमोलॉजी ऑफ नॉर्डिक आर्यंस ठीक है देखो एटिमोलॉजी ऑफ नॉर्डिक देखो नॉर्डिक का मतलब है नॉर्थ। अब देखो वर्ड में बहुत बदलाव हो जाता है ठीक है और जो ईरानियन प्लेन था वहां के जो आर्यंस थे मध्य एशिया के जो आर्यंस थे उसको कहते हैं आर्यंस जो मिडिल ईस्ट के थे आर्यंस तो वहीं से नॉर्डिक का मतलब नॉर्थ आर्यंस और आर्य का मतलब सुपीरियर श्रेष्ठ लोग कहते नहीं आर्य पुत्र अर्जुन श्रेष्ठ पुत्र अर्जुन कृपया यहाँ आओ आर्य पुत्र नहीं कहते हैं महाभारत श्रेष्ठ पुत्र तो आर्य का क्या मतलब होता है सुपीरियर है ये हुआ नॉर्थ के जो सुपीरियर्स तो नॉर्डिक आर्यन से बन गया ना तो वो एनी अदर रेस जो ब्लू आइड नॉर्डिक आर्यन से उनको ये मानते थे तो ये इनका कॉन्सेप्ट था। अब जरा देखिए कि दे वांट टू एक्सपेंड द जर्मन एम्पायर सो दैट मोस्ट ऑफ द प्लेस कैन बी कंफर्टेबली गिवन टू नॉर्डिक आर्यन तो उनको रहने में आराम हो जाए। However, Nazi could not effectively mobilize popular support. Up to 1930 तक it was not a popular party. ये party popular नहीं थी लेकिन जब ये great famine आया तो जब great depression आया तो उस समय क्या हुआ Weimar Republic को लोग नहीं पसंद करने लगे और इसकी जीत हो गई। So sir Hitler ने promises भी किए थे। हाँ up to 1930 Nazi party was not popular but due to great depression it still hope Nazi propaganda but due to say depression kab aaya tha 1929 mahamandi ka daur hai great wall street exchange depression ye Nazi प्रोपेगेंडा क्या था इनका प्रोपेगेंडा कि हम तुम्हें अच्छी राय देंगे प्रोपेगेंडा का मतलब झूठ फूट का प्रचार सो नाजी प्रोपेगेंडा स्ट्रिक्ट हो सर ये भी क्वेश्चन है इन पीपल तो उनमें वो हो गया और उसकी वजह से क्या हुआ कि बाय 1932 नाजी बिकेम द लार्जेस्ट पार्टी इन जर्मन पार्लियामेंट और 32 तक आते आते एंड बाय 1932 Nazi party became जिसको कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट भी कहा जाता था जर्मन पार्लियामेंट सेंट पॉल चर्च में हुई थी इसे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट भी कहा जाता था then कह रही है so became सर वो क्या कहते हैं नाजी पता क्या कहते हैं स्टिल लोगों में बिल्कुल मखानी जैसे नहीं होती मिक्सी चलती है तो लोगों के अंदर हाँ बिल्कुल यही पार्टी करेगी यही करेगी स्टीर स्टीरिंग का मतलब हिलाना स्टीरिंग होता है ना जब चम्मच से किसी चीज को हिलाते हैं दैट इज स्टीरिंग आप बोलो सर वीमर वाली डेमोक्रेटिक पार्टी थी वीमर हाँ समझ में आ गई बात सो बिकेम नाजी पार्टी बिकेम मोस्ट पॉपुलर पार्टी द लार्जेस्ट पार्टी द लार्जेस्ट पार्टी इन जर्मन पार्लियामेंट ओके नाउ हिटलर द लीडर ऑफ नाजी पार्टी वाज पावरफुल ओरेटर वो एक अच्छा वक्ता था हिटलर यस द लीडर ऑफ नाजी पार्टी वाज सर लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया पावरफुल ओरेटर सर हाँ सर आज का हमारा एसएससी का टेस्ट हो
था तो उसमें एक क्वेश्चन आया कि प्राइम मिनिस्टर कैसे सिलेक्ट होते हैं, तो सर वो तो राज्यसभा से सिलेक्ट होते हैं, लोकसभा सिर्फ मनमोहन सिंह हुए थे, जो लोकसभा में जो मेजोरिटी का लीडर होता है वही प्राइम मिनिस्टर बनता है। लोकसभा में बैठता कौन, एमपी? एमपी बैठता लोकसभा, लोकसभा में भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं और उसमें भी कहना चाहिए उनको कि मेंबर ऑफ काउंसिल्स, लेकिन फिर भी उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। जैसे एमएलए एमएलसी होता है तो शुरू शुरू में कहा जाता था मेंबर ऑफ काउंसिल्स और इन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता था, लेकिन अभी सबको एमपी कहा जाता है। राज्यसभा में जो आते हैं आपको मालूम है कि कभी कभी जो विधानसभा से लोग शिफ्ट होकर राज्यसभा आते हैं, ये है, और 12 पर लोग लॉरेट्स होते हैं, 12 लॉरेट होंगे और जो विधानसभा से ही ले लिए जाते हैं, इनको इनको लेके यहाँ भेजते हैं, ऐसे होते सारे लॉरेट नहीं कह सकते। ये जो विधानसभा में है ना, राज्यों की सभाएं, वहीं से कुछ लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। राज्यसभा में अगर कभी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है, इसी चीज़ पे हर चीज़ पे डिस्कशन वहाँ भी होता है, तो कोई भी सिर्फ फाइनेंस बिल के अलावा हर चीज़ पे चर्चा दोनों सदन में होगी, पैसे से संबंधित मामलों में उसका कोई नहीं। लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है, हाँ लोअर हाउस है लेकिन पावरफुल वही है, क्योंकि वो इलेक्टेड बॉडी है। तो अब जरा देखें, तो इसके बाद ही वाज ए पावरफुल मॉनिटर, अब फिर इसके बाद ही हैज प्रॉमिस्ड टू बिल्ड जर्मनी ए स्ट्रॉन्ग नेशन एंड अंडू ऑल द इल इफेक्ट्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्सली, यानी जो वर्सलीज की ट्रीटी थी उसके जितने भी बैड इम्पैक्ट थे वो उसको अंडू करना चाहता था। ही प्रॉमिस्ड नन द नेशन, ही प्रॉमिस्ड द नेशन टू प्रोपेगेंडा के बाद क्या लिखा आपने, प्रकाश जगा दिया। स्टीर का मतलब है स्टीरर, समझते हो, ये जानते हो, इसमें ये जो चीज पड़ी होती है ऐसे घुमाने वाली चम्मच, स्टीरर, उसी से तो स्टीर आया। हाँ बोलो, ओरेटर प्रखर वक्ता, eloquent speaker, that means he was a good speaker, जो oration दे वक्ता, तो it is good speaker, समझ में आई बात नहीं, speaker, so made it powerful and undo all the injustice of treaty of Versailles and undo all injustice of treaty of Versailles, ये बात कही, तो ऐसा उसने किया। नाउ अच्छा, इसके बाद ये तो 32 की बात है, और 33 में हिटलर गॉट द चांसलरशिप ऑफ जर्मनी, तो जैसे वो कौन थी अभी मार्का लोग कौन थी जर्मनी की, तो एक लेडी थी अब बदल गई है, ठीक है ना, एंड वो प्रो चाइनीज थी, चाइना का समर्थन करती थी, लोगों ने जान लिया उनको, वो चांसलरशिप वहाँ सबसे मेन पोस्ट होती है, तो कौन चांसलर बन गया 33 में आते आते, एंजेला मार्का लोग, वो वहाँ की थी, ठीक है कि नहीं, जर्मनी की, तो ही बिकेम चांसलर, और किसने चांसलर बनाया, वहाँ के प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ने कहा तुम चांसलर, प्रेसिडेंट ज्यादा पावरफुल, फिर उसने अपने आप अथॉरिटी अपने आप ले ली अगले ही साल 2-3 महीने में, और कि सब डिक्टेटर के हिसाब चलेगा, प्रेसिडेंट भी कुछ नहीं कर सकता, जिसने उसको बनाया उसी को लंदन बॉय, सो ही बिकेम चांसलर ऑन 30th January, ही बिकेम चांसलर, अभी भी चांसलर ही वहां पे है, ठीक है, देख लो, चांसलर हिंदी मीनिंग डेमोक्रेटिक है,
कुलाधिपति, पूरे कुल का अधिपति, राजा, अधिपति राजा को कहते हैं कि नहीं? सर रिस्पेक्ट के लिए है ना। हाँ, अधिपति यानी एक राजा को कहते हैं, तो पूरे राज्य के राजा को चांसलर कहते हैं, कुलाधिपति। He became chancellor on 30th January. January 1933 में हुआ। और एक अब दूसरा जो उसने enabling act का मतलब समझते हो? Yes sir. On 3rd March. Enable करा। हाँ, on 3rd March उसने खुद एक act पास कर दिया। 1933 लगभग दो महीने बाद। किसी को बना? एक महीने बाद, 30 जनवरी को बना, फरवरी छोड़ दो, 3rd मार्च को उसने एनएबलिंग एक्ट पास कर दिया। ऑन 3rd मार्च होता ना कि वो लॉज बना सकते हैं विदाउट प्रायर कि हिटलर जो चाहे वो कर सकता है विदाउट कंसेंट ऑफ। हां, ही पास एनएबलिंग एक्ट, ऐसा एनएबलिंग एक्ट, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है एनएबलिंग एक्ट। सो इट मेड जर्मनी एज ए डिक्टेटर, इट मेड, इट बॉट डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। इसकी वजह से जर्मन में पहले रिपब्लिकन था, अब लेकिन अब क्या आ गई, तानाशाही। तानाशाही समझते हो ना, डिक्टेटरशिप। सो इट बॉट, हाँ, डिक्टेटरशिप। इन जर्मनी, इसके बाद जर्मनी में रिपब्लिक का अंत हो गया और डिक्टेटर रूल आ गया। ओके, यहाँ तक हमें पता चल गया वीमर रिपब्लिक क्या था, कैसर विलियम कोटा, पूरी स्टोरी पता चल गई। और क्यों नाजी पार्टी आई, क्योंकि डिप्रेशन की वजह से आई। और सर ये लोग डेमोक्रेटिक पार्टी से ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो वहाँ पर पहले क्या पार्टी थी, बाद में नेशनल जर्मन क्या, बाद में नाम पार्टी, हाँ, और पहले थी जर्मन वर्कर पार्टी, फिर नेशनल सोशलिस्ट, और नेशनल सोशलिस्ट से लिया गया नाजी। और ये भी पता होना चाहिए हिटलर कब बना, उसका प्रोपेगेंडा क्या था, वो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद इसने क्या किया, हिटलर कब बना, हिटलर बना 30 जनवरी को, और उसने इनेबलिंग एक्ट कब पास किया, ये वन मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, 3rd मार्च। अब देखो, नाउ ओके, नाउ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वर बैन इन दिस एक्ट। देखो अब ये देखो, इन दिस एक्ट उसने क्या किया, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट, किसको छोड़कर, नाजी पार्टी, एक्सेप्ट नाजी एंड इट्स एफिलिएटेड पार्टी, जो इससे प्रभावित थी, मतलब सहयोगी पार्टी, एक्सेप्ट नाजी एंड एफिलिएटेड पार्टी। जैसे आप लोग कहते नहीं हो कि ये स्कूल जो है एनसीईआरटी से एफिलिएटेड है, यानी जो वहां किताबें चलती हैं वो वहां भी चलती हैं, तो इस तरह से एक एफिलिएटेड स्कूल भी होता है। सो इट्स एफिलिएटेड पार्टी, एक्सेप्ट इनको छोड़कर, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस। सर ये इनेबलिंग एक्ट है, हां, इन दिस एक्ट उसी एक्ट में ना, वर बैंड, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, और क्या किया गया, सर ये रीचस्टैग ने किया था ना, रीचस्टैग ने किया था ना, लोअर हाउस से लोअर जर्मनी, रीचस्टैग की जर्मन की पार्लियामेंट थी, ठीक है कि नहीं, सर नाजी बैंड, देखो 1990 में रीच स्टैग बना है, अगर मैं आपको दिखाऊं वो नई एक वहां पर बन, रीच स्टैग तब की है, रीच स्टैग पहले थी, अब नई बन गई है, अब नई बिल्डिंग बन गई, जैसे हमारा संसद भवन बना है ना नया, ये 1990 में नया बन गया है, पहले रीच स्टैग में था, तो
था, रीच स्टैक नहीं था, पहले रीच स्टैक था और अब नया जर्मन पार्लियामेंट। सो इफ दीज वर बैन, ठीक है, सो इफ और सेंसरशिप, क्या बोलो बोलो बोलो, इसके अलावा सेंसरशिप किस पे लगा दी गई, न्यूज़पेपर पे लगा दी गई, रेडियो मीडिया सब पे लगा दिया गया, एंड इसके अलावा स्टेट हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर मीडिया आर्मी जुडिशियल डिपार्टमेंट, स्टेट हैज बोलिए सेंसरशिप लगा दिया, कंप्लीट कंट्रोल, ऐसे इंदिरा गांधी के सामने भी था मालूम है कि नहीं, मतलब न्यूज़पेपर जो छपता था पहले इंदिरा गांधी के ऑफिस जाता था और फिर उनके लोग पढ़ते थे कहाँ गड़बड़ है, उसे कटवा देते थे फिर से छापो, अब नहीं है, अब फ्री हो गया, कंट्रोल ओवर, लोगों को पता ही नहीं चल पाता था, कंट्रोल ओवर इकोनॉमी, इकोनॉमी, मीडिया, मीडिया पे भी कोई नहीं चीज छप सकती है, आर्मी एंड जुडिशरी, चाइना से कोई चीज बाहर नहीं आती है मालूम है, वहां सेंसरशिप है, एक भी न्यूज़ बात नहीं है, वहां लाखों लोग भी मर जाएंगे ना, पता चलेगा बाहर न्यूज़ लीक हुई कि 100 लोग मरे, कुछ नहीं बात है। नाउ वंस इन पावर नाजी क्विकली बिगन टू इंप्लीमेंट देयर ड्रीम ऑफ क्रिएटिंग एन एक्सक्लूसिव रेशियल कम्युनिटी ऑफ प्योर जर्मनी बाय एलिमिनेटिंग, सो व्हेन हिटलर, देखो जब हिटलर केम इन पावर आया, So he started eliminating, उसने eliminate कर दिया, and like Jews, सर एक ही पॉइंट में लिखना है Hitler का main power, gypsies, हाँ जब ये आया तब उसने eliminate करना शुरू कर दिया, Russians, सर gypsies क्या था, gypsy ये gypsy लोग होते हैं काले लोग जो south africa के slaves होते हैं, Russians, जैसे किसी की आईब्रो छोटी है तो वो वहाँ के जीन की वजह से चाइना के या नॉर्थ कोरिया नेपाल जापान तो उनको पैदा वही इन सबको मारो क्या एफिलिएटेड का मतलब जो इससे प्रभावित थी एफिलिएटेड जो इसको मानती थी नाजी पार्टी को उसको नहीं उसने बैन किया ठीक है नहीं तो जिप्सीज रशियंस और इसके अलावा वो पोलैंड पॉलिश ठीक है दिस वॉज कॉल्ड एज ए मास जीनोसाइड इसे क्या कहा गया दिस वॉज टर्म एज मास जीनोसाइड ऐसा हुआ ठीक है सो इस नाजी कंसीडर्ड देम एज इंफीरियर देन ब्लू आइड नॉर्डिक आर्यंस नाजी कंसीडर्ड देम एज इंफीरियर देन ब्लू आइड Nordic Aryans, उनसे उनको inferior माना गया, ये माना जा सकता है कि उनको superior माना गया और इनको inferior, and in the fear of mix of race, वो सोच रहा था कि अगर साथ में रहेंगे
तो फिर हमारी जो महिलाएं इनके पुरुषों से शादी कर लेंगी तो हमारी रेस में बदलाव आ जाएगा, प्योरिटी उनके लिए ले आए थे रूल तो के लिए, बाकी अलग अलग रहोगे साथ में साथ रहे तो पार्ट ये चीज हो जाएगा, ठीक है। सो उनका उसने धर पकड़ शुरू कर दी, दीज वर दीज एंड डिजायर्ड पीपल्स वर परसिक्यूटेड, कहाँ छुपा है, कहाँ छुपा है, पकड़ो इसको, कंसंट्रेशन कैंप्स में ले जाते हैं, कंसंट्रेशन कैंप। सो इसके बाद क्या हुआ, स्पेशल ट्रीटमेंट सिलेक्शंस डिसइन्फेक्टेंट, ये सारी चीजें आप लिख दोगे, सो दे वर पुट इन कंसंट्रेशन कैंप इन गैस सेल्स, हां दीज वर पुट इन कंसंट्रेशन कैंप एंड किल्ड in gas chambers. Sir, or ye bhi that in their official meetings they told that they were disinfecting the areas and doing selections. It is told that it is a permanent solution, disinfection system that are used. Euthanasia, yani mukti, moksh ka dwar. Sir, how do you get it? He term. Aur sir, in log ka ek jagah rehne ki wajah se jisko get house bolte hain. This appears as euthanasia permanent solution. और एक क्या आपने बताया? Special treatment, disinfection selection. Solution, special treatment, disinfection. तो उसने चालाकी से अपने प्रोपेगेंडा बुलाया, ये नहीं बोला कि कहीं पर मार गया, वर्ल्ड को पता भी बहुत देर चला, जब तक 75% दुनिया के ज्यूज मारे गए और जो ज्यूज बचे थे उनको भारत ने सरेंडर, इसलिए इजराइल आज भी भारत को अपना संचार मित्र मानता है, इजराइल में रहते हैं ज्यूज, सब लोगों ने भगा दिया ज्यूज को, ज्यूज को सारी दुनिया ने क्यों भगा दिया बताओ, हिटलर के था, उन्होंने जीसस क्राइस्ट को मारा था, पूरी दुनिया से जब ज्यूज हटा दिए गए तो ज्यूज को लगा वो कहां जाए, तो अमेरिका ने कहा कि तुमको हम इजराइल का एरिया देते, तुम यहां रहो, और इजराइल बिल्कुल छोटा देश है, उसके बगल में मुस्लिम देश है, लेकिन आज वो सबसे शक्तिशाली है, इजराइल पावरफुल है, कोई भी मुस्लिम कंट्री उस पर आग नहीं ला सकती, बोलते और अमेरिका उसको जो है वो देता है, और उसकी जो वो है ना आर्मी का नाम है वो मोसैक नाम है, मोसैक तो सर उसकी वो स्पेशल मतलब वो कमांडो है, कमांडो फोर्स वो जो चाहे वो कर सकती है, इतनी पावरफुल आर्मी, ठीक है। सो दैट इज स्पेशल ट्रीटमेंट, ये सब किया गया। अब जरा देखिए, अब यहाँ की बात सोचो कि वहाँ के बच्चों का बॉयस का क्या होता था और लड़कियों का एक और हो जाने एट ज्यूज एंड शिप नाजी नाउ सर उन्हें सेग्रीगेट कर देते ज्यूज चिल्ड्रन फिजिकली हैंडीकैप एंड जिप्सीज वर थ्रोन आउट ऑफ स्कूल, उसने क्या किया, ज्यूज चिल्ड्रन एंड ज्यूज टीचर वर थ्रोन आउट ऑफ स्कूल, ये तो टीचर्स वर आल्सो एक्सपेल्ड, हां ज्यूज चिल्ड्रन एंड Jews teachers, इनको यहूदी कहते हैं, Jews को क्या कहते हैं, यहूदी teachers से हटा दिया, were expelled out, और ये भी बताया गया कि तुम लोग 3 महीने का समय दिया जाता है और तुम यहाँ से छोड़ के चले जाओ जर्मनी, यहाँ मर्जी चले जाओ, पोलैंड में भी तो कोई सीक्रेट फिर, लेकिन जब वो छोड़ के कुछ लोग गए कुछ नहीं गए, जो बचे थे बोले अब तुम लोगों को प्रोसिक्यूट किया जाएगा, तुम लोगों को ले जाया जाएगा, तुम गए क्यों नहीं, और इतना ही नहीं जो चले गए थे ना, फिर इसने अपना जब रिजाइन आगे बढ़ाया तो नीदरलैंड कहाँ कहाँ करके बढ़ाते ही चला गया हिटलर, और वहाँ वहाँ जाके भी ज्यूस को पकड़ रहा है वहाँ भी मार रहा है, एक कौन सी कहानी है जो एक लड़की ने लिखी 12 साल की एनी फ्रैंकी, तो एनी फ्रैंक की कहानी थी, तो उसके पिता बहुत बड़े वो थे फैक्ट्री के ओनर थे, तो ये बच गए थे, उसके बाद में वो लड़की भी मारी गई, तो उसके पिता ने छप पाई, वो डायरी लिखती थी, तो एनी फ्रैंक डायरी ऑफ एनी फ्रैंक,
जूस वो लोग थे जिन्होंने जीसस क्राइस्ट को मारा था, वो नेचर में बिलीव करते थे, भगवान नेचर में बिलीव करते थे, और मूसा उनके गुरु हैं। और जबकि क्रिश्चियन के गुरु कौन है? ईसा, जीसस क्राइस्ट को ईसा मसीह कहते हैं, तो उनके गुरु हैं ईसा, इनके गुरु हैं मूसा। ये लोग बस खड़े हो जाते हैं एक कमरे के चारों ओर, उसमें खिड़कियां बनी होती हैं, ऐसे करते हैं, और उसको क्या कहते हैं जो ज्योतिष, उसमें बस एक कमरे में कुछ नहीं रहता है, और सीक्रेटली वो ऐसे खड़े हो जाते हैं, एनवायरनमेंट का पूजा करते हैं। हाँ, कमरे के चारों ओर खड़े होकर पूजा करते हैं। आप केरल में जाओगे तो उनके जो जूस के वो बने हुए हैं उनको क्या कहते हैं जूस के? देखो अभी बता रहा हूँ, अभी बता देता हूँ। रिलीजियस वर्शिप प्लेस ऑफ ज्यूस इज कॉल्ड ठीक है सिनेगॉग। तो आपको केरल में सिनेगॉग मिलेंगे, केरल के रास्ते से ही तो इंडिया आए थे ज्यूस जब भगाए जा रहे हैं। तो पूरी दुनिया में अभी समझो 15% ज्यूस ही बचे हैं, 75% अब वो जो बढ़ रहे होंगे इसराइल में बचे हैं, अब थोड़े बहुत केरल में। सो एक्सपेंड आउट फ्रॉम स्कूल, इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा देखो सर, बुक्स भर रही बुक्स री रिटर्न हुई ना उस समय, जो उसमें ऐसा दिखाया गया बुक्स री रिटर्न हुई, और फिर क्या हुआ दिखाया गया कि ज्यूस को चिढ़ाया गया कि वो पैसे पे बैठा हुआ है, बुक में बना हुआ है कि नहीं बड़े पैसे बैठा है, उनकी नाक ऐसी है ठीक है। तो उनको ये बताया गया 10 years old। अब देखो लड़कों के बारे में क्या है, 10 years old has to enter jung hole, has to enter jung hole, 10 year old German, वो भी जो German boys होंगे नाज़ी हो, has to enter jung hole, a 14 year old, okay, and which was in Nazi youth organization, which was Nazi youth organization। फिर उनके बाद क्या किया जाएगा at 14 जब अभी जो है नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन at 14 they enter in Hitler youth। तो उसका नाम हिटलर यूथ था, ऐसे जंग वोट करके कुछ नहीं ना, जंग वोट इनका ही नाम है, जंग वोट के नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन बिलो 14, नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन बिलो 10, मतलब 10 से 14 वालों के लिए ये था बिलो 14, और वो भी नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हिटलर यूथ कहा जाता है। तो नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन के दो पार्ट है, एक जंग वोट है और दूसरा हिटलर यूथ है, समझ में आएगा? तो सबको यही ज्वाइन करना, सबको ज्वाइन करना पड़ता सारे, अगर किसी को फिर डॉक्टर ही खत्म हो जाए। इसके बाद फिर सेना में भी जाना पड़ता था, दो साल सेना की नौकरी, बहुत सारे कंट्री जिसमें पहले आपको आर्मी में जाना पड़ता, ऐसे तो लोग मरते रहेंगे डॉक्टर ही, फिर उसके बाद वहां से जहां पे बनना हो बने, दो साल है ना बहुत सारे कंट्री में, दो साल आपको आर्मी में जाना ही पड़ेगा, तो वही चीज यहाँ पर भी। अब इसके बाद दे हैड टू वर्शिप वन ग्लोरीफाई ए क्रिएशन। तो इसके बाद क्या हुआ, हियर दे हैव उन्हें टू वर्शिप वार की, वार की पूजा करनी पड़ती थी कि हम वार करना चाहते थे, वर्शिप वार। दूसरी चीज कंडेम डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी बेकार होती है, एंड इसके अलावा glorify violence and hate Jews, and hate Jews, violence को glorify कराया जाता था, ये सब वहाँ सिखाया जाता था।
ठीक है, और ये भी सिखाया जाता था कि हैव जो भी है सेट ऑफ सेवन लॉयल, हां लॉयल फॉर हिटलर एंड मेड लॉयल टू हिटलर। कंडेम का मतलब क्या होता है? कंडेम का मतलब निंदा करना, निंदा मतलब बेइज्जती करना, किसी को कंडेम करना, ठीक है। ऐसे जैसे हम लोग बोलते नहीं कि तुम्हारे मुंह में ऐसे कीड़े पड़े जो पहले से ही बीमार हो, कीड़ों की ऐसे कीड़े पड़े जो पहले से ही बीमार हो। क्या बोलो बोलो बताओ, जब पूछोगे ऐसे बोल देते तो पता ही नहीं चलता। परमानेंट सोल्यूशन, यूथनेजिया, यूथनेजिया का मतलब मोक्ष, मुक्ति। हैंडीकैप लोगों के लिए सर क्या यूथनेजिया? मुक्ति, ठीक है, यूथनेजिया। बोलो क्या कहना चाहते, यूथनेजिया। अच्छा इतनी बात समझ में आ गई, फिर इसके बाद क्या करना पड़ता था? एट द एज ऑफ 18-14 में ज्वाइन किए तो 18 पे क्या करेंगे? एज ऑफ 18 वो नाजी आर्मी में आ जाते थे, ठीक है, दे हैव टू ज्वाइन आर्म्ड फोर्सेस, दे हैव टू ज्वाइन, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस। तो ये काम करना पड़ता था, जबकि लड़कियों के लिए क्या था? उन्हें जीव से मिलना जुलना नहीं है, उनको कुछ ना कुछ मेडल भी दिए जाएंगे। चार बच्चे के लिए ब्रॉन्ज, छह के लिए सिल्वर, और मदरहुड और फ्री बस यात्रा, और सर रेलवे में भी जैसा थिंकिंग ऑफ मदरहुड वास यूनिक। यानी ये कब बना है? 33 में आप समझिए बना है, और ये कितने दिनों तक अत्याचार कर पाया? मतलब जैसे अच्छा, जिसने अनडिजायरेबल कर दिया, तो मतलब लोगों के उसने रिप्रेशंस कर पाया ना, तो ये आप समझिए 45 में मारा गया। 44 उसने मारा गया, उसने खुद मारा, खुद मर गया, से सुसाइड कर लिया था गनशॉट। थिंकिंग ऑफ मदरहुड वास यूनिक, ठीक है, गर्ल्स वर टोल्ड दैट दे हैड टू बिकम गुड मदर्स। बहुत सारे लोगों ने साइनाइड खा लिया था हिटलर के जो फेथफुल थे, वर टोल्ड कि अब हम लोग हार रहे हैं तो हम साइनाइड खाएंगे। तो साइनाइड पे तो लहर, हां वो कैप्सूल होती थी साइनाइड की, अपने बच्चों के मुंह में दबाया, पिया और बंद कर दिया। पिक्चर देखो तो थोड़ा चलेगा। गर्ल्स वर टोल्ड, ठीक है, टू दैट दे हैड टू बिकम गुड मदर्स, दैट they have to become good mothers. Mothers. Okay. And rear, pure bred Aryan children. रियर का मतलब पैदा करना। सर रियर तो एक और होता है ना, रियर करना बोलते हैं। तो पालन पोषण करना। अच्छा तो पालन पोषण चले बहुत सारे, ठीक है, प्योर ब्रेड जर्मन चिल्ड्रन। सर प्योर ब्रेड मतलब यानी आप यहूदियों से नहीं मिलेंगे? नहीं ब्रेड यानी ऐसे पिछले होते हैं कि कुछ ऐसे पपीते होते हैं कि एक पपीते में स्वीट पपीता और एक में सीडलेस है, अगर उनका हाइब्रिड कराया जाए तो एक का पॉलन लिया जाए और एक का स्टिग्मा लिया जाए, तो एक ऐसा पपीता बनेगा जो मीठा भी होगा, बीज भी नहीं होंगे। आजकल जितने भी फ्रूट्स आ रहे हैं सब हाइब्रिड आ रहे हैं, उनके अंदर सीड्स नहीं होते, बल्ब ज़्यादा है ना,
से सीट्स तो आती है, आते हैं, लेकिन अब दिल्ली में जाओगे सब हाइब्रिड हाइब्रिड मिलेंगे। सो एनएलडी होते हैं क्या? रियल ट्रोट ब्रेड जर्मन जो इंजेक्शन वाले होते हैं वही अनहेल्दी होते हैं। सर ये क्या इंजेक्शन वाले में तो रात में इंजेक्शन लगवा सुबह इतना बड़ा सेल बन गया। प्योर ब्रेड जर्मन चिल्ड्रन ये उन्हें सिखाया जाता था। अब देखिए इसके अलावा ऑल मदर्स वर नॉट ट्रीटेड इक्वली, सभी माँ को इक्वल नहीं ट्रीट किया जाता। यस सर। इन नाज़िज़्म ऑल मदर्स वर नॉट ट्रीटेड इक्वली इक्वली दे वुमेन हु गिव बर्थ रेशियली अनडिजायरेबल चिल्ड्रन वर पनिश्ड। सर जेल सेंटेंसेस। वुमेन हु gave birth to racially racially का मतलब कहेंगे कि तुम्हारा लड़का काला कैसे पैदा हो गया? काले गोरे पे भी था, काले गोरे पे भी, क्योंकि वो जिप्सी हो गया, तुम जरूर किसी जिप्सी के साथ गई हो। मारो इसको racially undesired। तुम्हारे लड़के बच्चे की आंख नीली क्यों नहीं है? अच्छा नीली। Racially undesired और अगर काला लड़का पैदा हो तो चूना पोतो उसके। सर मेडल्स मिलते थे और पैसे रिड्यूस्ड डिजायरेबल चिल्ड्रन वर अवार्डेड। ये है इंफॉर्मेशन अबाउट नॉजी प्रैक्टिस केम आउट इन लास्ट ईयर ऑफ डिजाइन। ये पहले पता ही नहीं चला लोगों को, जब ये वर्ल्ड वार खत्म हुआ ना तब जब लोग जर्मनी में गए हॉरर्स of what happened in Germany. सर डेनमार्क के साथ रेस्क्यू क्या था यूएस को? डेनमार्क के साथ रेस्क्यू क्या था यूएस को? डेनमार्क में ये इधर उधर तो गए थे यूएस भाग के, तो ऐसा हुआ। और फिर जब ऐसा नहीं है, फिर जर्मनी ने सब नीदरलैंड डेनमार्क सबको जीत लिया था, फिर वो सब वहाँ उसने इधर उधर कंसंट्रेशन कैंप बना दिए दूर दूर, ऐसा सब नीदरलैंड डेनमार्क सब जीत लिया था इसने जर्मनी। और फिर से हारा किसे? यूएसए से? और यूएसए से यूएसए यूएसए ने इसको हरा दिया। एंड ऑफ सर यूएसए शुरुआत से पावरफुल था नहीं यूएसए सर वो भी ब्रिटेन के अंदर। यूएसए जो है ना ये जो सेकेंड वर्ल्ड वार है ना उसमें भी लास्ट में यूएसए आया। अच्छा जिंदा भी कर एक साल के लिए। यूएसए हमेशा वर्ल्ड वार में आता नहीं था कभी भी, इसीलिए वो धीरे धीरे इकोनॉमिकली स्ट्रांग होता गया। जो वर्ल्ड वार में कभी नहीं इन्वॉल्व होगा वही अंत में इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा, है ना? तो यही चीज है। सो इस तरीके से यूएसए में वर्ल्ड वार हुआ भी ये भी बात है, तो इसलिए उसके कोई भी इंस्टॉलेशन दबा नहीं हुई। जर्मनी तो बहुत सुंदर था, वो पूरा बर्बाद हो गया बम्बार्डमेंट, बहुत अच्छा जर्मनी था। अब देखिए नाउ कुछ ऐसी चीजें हैं। गेस्टापो क्या था? मुसिक गेस्टापो सर जहाँ पर ज्यूस पूजा करते थे? नहीं सर वहाँ पर ज्यूस को रखा जाता। सीक्रेट पुलिस फोर्स इन नाजी जर्मनी
सीक्रेट पुलिस ऑफ नाजी अगर दस टेप हो आए ठीक है ना हो जिप्सी कौन थे ब्लैक पीपल यस द ग्रुप दे वर ब्लैक कलर्ड बाय मेनी ऑफ देम ट्रेस्ड ये ब्लैक कलर्ड पीपल हुज ओरिजिन वाज ट्रेस्ड फ्रॉम इंडिया ऐसा बोला गया वैसे अब साउथ अफ्रीका के लोगों को जिप्सी माना वैसे इंडियन क्यों बोल दिया इसमें लिखा हुआ है सर वहीं पर तो एक सो ब्लैक कलर्ड पीपल हुज ओरिजिन वाज ट्रेस्ड इन इंडिया क्या होता है एरिया ऑक्यूपाइड बाई सेग्रीगेटेड पीपल तो गेटोज भी देख लो जहाँ इनको कंसंट्रेशन कैंप होता था सर ऐसे भी उनको मारना बहुत इजी होता था सो द प्लेस वेयर ज्यूज वर सेग्रीगेटेड या सेपरेटेड बिफोर किलिंग यस सर आइसोलेटेड द प्लेस वेयर अनडिजायर्ड पहले अलग करो पीपल वर केप्ट उनको गेटोस कहते थे पॉपराइज का मतलब ज्यूज को पॉपराइज किया गया हंसी मजाक वाला क्या ज्यूज वर पॉपराइज की इनकी छह के आकार की नाक है मोटे होते हैं दैट इज रिड्यूस्ड टू एब्सोल्यूट पॉवर्टी उनको मार्जिनलाइज कर दिया हाशिए पे डाल दिया ठीक है सो देयर फन वाज मेड या देयर मॉकरी वाज मेड और उनको क्या कर दिया गया एंड वर मार्जिनलाइज हाशिए पर ला दिया गया आपके बुक कॉपी में मार्जिन होती है किनारा तो उसी तरीके से उनको मार्जिन पर ला दिया नाउ जंग वॉल किसे कहते हैं सर और ये ना एशिया किसे कहते हैं सर जो 10 इयर्स से छोटे जर्मन बॉयज होते थे उनको जंग वॉल में रखते थे Euthanasia, killing without pain. Sir, क्या? बिना pain के मारना. बिना pain, pain. मतलब pain killer के बिना मार डालो. ये सर एक मतलब एक बार में gas chamber में डालो. ठीक है? ये सारी चीजें. Now, jump goal. Sir, जो 10 years से छोटे boys होते थे उनको जा डाल दे. Sir, उनकी नाजी उठा बने. हाँ. That is नाजी यूथ ग्रुप सर आपने वो क्या लिखा है रियलाइज द के बाद हॉरर्स रियलाइज्ड द हॉरर्स ऑफ व्हाट हैपेंड इन जर्मनी ये सब तो बहुत भयानक था ना जो हुआ गेटोस कहते हैं ओके ना अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसी चैप्टर पे पढ़ लेते हैं तो क्या गेस्टापो 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 जीयूएस हाँ जीयूएस टीएपीओ गेस्टापो बोलो क्या पूछना है सर पॉपराइज्ड मजाक उड़ाना मतलब ये बोल देना कि उनकी
बिना ऐसे सिक्स के आकार के पकौड़े जैसे मार्जिनलाइज्ड का मतलब भाई किनारे हटो ओके नाउ सहेली थी तो उसको उधर एक ब्रेड का टुकड़ा मिलता था, फिर उसने कहा कि ये लोग मिले बार बैठ के हर बार, तो फिर उसने कहा कि तुम लोग भूखे ही रहते हो, तो ये बोली एन फ्रैंक हम लोग भूखे, मेरी बहन बीमार कई दिनों से, उसे कुछ नहीं मिला, तो उसने अपना एक ब्रेड का टुकड़ा फेंक दिया, तो जैसे ही उसने फेंका एक दूसरा आदमी दौड़ के आया और ब्रेड का टुकड़ा उठा के ले गया, उसने कहा दूसरा फेंको, उसने कहा हमें दिन में एक ही ब्रेड का टुकड़ा मिलता है, कल मैं फिर फेंकूँ, तो कल उसने फिर फेंका, नहीं खाया भूखी रही थी फिर, लेकिन उसकी बहन मर गई, फिर ये भी मर गई, बहुत वैसी कहानी है डायरी ऑफ एन फ्रैंक। आज भी वहाँ लोग विजिट करने जाते हैं, जर्मनी में जाते हैं, जर्मन उसे मिटाना चाहता था लेकिन लोगों ने इतना विरोध किया कि वो उस बिल्डिंग को गिराना चाहता था जहाँ भी उनका परिवार छिपा था, गार्ड नहीं, उसमें एक सीक्रेट रूम था, उसमें ये लोग रहते थे और दिन में नहीं चलते थे, रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक सब कुछ कर लेते थे, फिर जहाँ पे जो खड़ा है बैठा है वहीं बैठा रहता था कि उसके ऊपर के कदमों की आहट नीचे आएगी तो ये लोग जान जाएंगे मार देंगे। 2 साल तक ऐसे रहे, फिर जिस घर में रहते थे वो उनका नौकर था, उसकी वाइफ ने बता दिया जर्मन सेना को यहाँ ये लोग छिपे हुए, और वो जर्मन सेना का जो था कर्नल था, उसने कहा इमीडिएटली केम आउट, फिर जब उसने बक्सा खोला उसने देखा कर्नल ऑफ जर्मन सेना, ओके आई विल गिव यू 15 मिनट्स इन 15 मिनट्स। ज्यूस भी तो थे पहले जर्मन सेना में, ऐसा नहीं रहा हुआ है, नाउ हाउ डिड द कॉमन पीपल ऑफ जर्मनी रिएक्ट टू नाजी आइडियोलॉजी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिड लगा तो यार रिएक्ट लिखना, रिएक्टेड मत लिखना, द नाजी आइडियोलॉजी, ए पार्ट ऑफ जर्मन कॉमन मास है डीप फेथ इन नाजी आइडियोलॉजी, अ बल्क ऑफ पीपल ऑफ जर्मनी है deep faith in Nazi react to the Nazi ideology. ठीक है, they showed deep hatred for Jews. Jews.
दे सॉ समवन हु लुक्ड लाइक अ ज्यू सो वो क्या करते थे व्हेन दे saw someone looked like Jews अगर वो कभी देखते थे Jews then they pauperized them pauperized का मतलब हंसी मजाक उड़ाना क्या मजाक उड़ाते तो rise them ये काम करते थे ठीक है अच्छा They believe that Nazis will bring prosperity for them. That Nazis would bring prosperity for them. बट अदर जर्मन्स अब आगे भी सुन लेना बट अदर जर्मन्स कुछ छुपे छुपे जर्मन्स भी थे हु वर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय नाजीज हु वर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय नाजीज ठीक है दे ऑर्गेनाइज एक्टिव रेजिस्टेंस They opposed against police repression, जिसको repression ना समझ में आए तो torture भी देना कि उन्होंने विरोध किया and deaths, जो police repression करती थी या death करती थी तो उन सबका उन्होंने विरोध किया However, अब तीसरा तो कुछ ये थे अब कुछ ये थे However, other Germans were only passive observer ना वो इनको देख रहे थे चुपचाप देख रहे थे ये हो क्या रहा है कुछ तो विरोध कर रहे थे ठीक है However, other Germans were passive observers वो कुछ भी नहीं कर रहे थे निष्क्रिय ना इनके साथ है ना उनके साथ है ठीक है एंड दे वर टू स्केयर्ड टू एक्ट टू डिफर टू प्रोटेस्ट ठीक है दे वर पैसिव ऑब्जर्वर्स दे वर होपिंग फॉर ए बेटर फ्यूचर हो क्या पॉपराइज वो लास्ट में नहीं लिखा पॉपराइज नौकरी बनाना तो पॉपराइज करते थे उनका हंसी मजाक उड़ाते थे उनके पत्थर फेंकते थे दे पेल्ट स्टोन ऑन देम And hoping for better future. सर तो कोई मास्क लगा के और सन वो लोग अलग कपड़े पहनते थे और वो वहां पर बिल्ला लगाने घूमते थे जूस ऐसे घूम नहीं सकते थे हाँ तो सर वो भी तो सर वो मास्क पहन के और चश्मे पहन के घूम सकते पहले बिल्ला तो लगेगा कोई नहीं हटा सकता वो परमानेंट है हाँ वो कंपलसरी था आज ज्यूज है ये तो सिटी में भी घूमना है तो वो टैग लगा के घूमना कि तुम ज्यूज हो कि तुम ज्यूज हो आई एम ज्यूज ये तो कहता है चार्ट से करा हूँ फोटो दिखे है ना वो जो फोटो है फोटो में वो अभी हम लोग देखेंगे कि नाजीज में क्या है ओके तो लेट अस सी कि नाजीज मैन राइज ऑफ हिटलर
नाज़िस्म एंड राइज ऑफ हिटलर वीडियो एल्बम। नाज़िस्म एंड राइज ऑफ हिटलर नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जसवाल सर, हम पढ़ रहे हैं नाज़िस्म एंड राइज ऑफ हिटलर। आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देयर वाज द डिफीट ऑफ इंपीरियल जर्मनी। उस समय जो जर्मनी के राजा थे उनकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद डिफीट हो गई थी। नाउ वी विल सी व्हाट हैड हैपेंड इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज ड्यू टू मिलिटरिज्म, that is the alliance between different countries, the nationalism pride was getting developed between the citizens and imperialism, log shahi log atyachar karte the and assassination one was the reason that the Austrian-Hungary king was assassinated in Serbia, to ye raja ka hatya Serbia mein jab wo ghumne gaya tha to ho gayi thi, to bahut sare country ek taraf ho gaye और बहुत सारे दूसरी तरफ हो गए, जिनमें से इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी ये सारे एक्सिस पावर या सेंट्रल पावर कहलाए, और जबकि कुछ सहयोगी देश थे जैसे फ्रांस है, यूनाइटेड स्टेट, रशिया, बेल्जियम, ब्रिटिश, सर्बिया, ये अलाइड पावर्स कहलाए। ये लोग सेंट्रल पावर्स को रोकने के लिए पूरा विश्व एक साथ आया। सो वी सी दैट जर्मनी डिक्लेयर्स वार ऑन रशिया। फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या हुआ कि जर्मनी ने रशिया पे युद्ध छेड़ दिया, फ्रांस ने रशिया से सपोर्ट मांगा, जर्मनी ने पहले युद्ध छेड़ा, जर्मनी ने शुरुआत की, जर्मनी डिक्लेयर्स वार ऑन फ्रांस, जर्मनी ने फ्रांस पे भी आक्रमण कर दिया, जर्मनी ने बेल्जियम पर भी आक्रमण कर दिया, तो जर्मनी को इस युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त हुआ तो जर्मनी को वार रिपेरेशन पे करने पड़े, जो कि उसको अगले 90 इयर्स तक पे करने थे। तो इस बात को जर्मनी वाले लोगों ने अपना अपमान समझा। वहां पर अब वीमर रिपब्लिक का उदय हो चुका था, दैट इज अ काइंड ऑफ रिपब्लिक जो कि इलेक्शन से जो लोग आए थे तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ने वीमर रिपब्लिक बनाया। लेकिन वीमर रिपब्लिक को बहुत ज्यादा ख्याति नहीं मिली, क्योंकि वार रिपेरेशन इतने ह्यूज थे कि वो पैसा देते देते ही उसका सारा बजट समाप्त हो जाता था। और फिर वीमर रिपब्लिक लोगों में उसका नाम कम होने लगा, ख्याति कम होने लगी, लोग नापसंद करने लगे। ऐसे में वहाँ एक हिटलर था जो कि मिलिट्री पर्सन था और मिलिट्री का हेड था, उसने पावर्स को अपने हाथ में लेने का निर्णय ले लिया। He has taken the benefit of this crisis in Germany. लोग असंतुष्ट थे क्योंकि वार रिपेरेशन ज्यादा थे, और बहुत सारे नए सैंक्शंस भी एलाइड पावर्स ने जर्मनी पर रख दिए थे कि आप अपनी सेना इतने से ज्यादा नहीं रख सकते हैं, और इसके अलावा भी उसकी टेरिटरी पे बहुत सारे कंट्री बना दिए गए थे, बहुत सारा जर्मनी का एरिया छीन लिया गया था। तो लोग इस चीज से नाखुश थे, और वीमर रिपब्लिक ने उन सभी चीजों को जो वर्सिलीस की संधि थी, ट्रीटी ऑफ वर्सिलीस थी, उसमें उसने मान लिया था। ये जो एक तरीके का अपमानजनक संधि मानी गई जर्मनी के लिए, तो वीमर रिपब्लिक को लोगों ने जिम्मेदार ठहराया कि उसने इस संधि को क्यों माना, व्हाई दिस ट्रीटी ऑफ वर्सिलीस वाज एक्सेप्टेड। नाउ वर्सिलीस इन फ्रांस, तो फ्रांस में संधि हुई थी। फिर वीमर रिपब्लिक धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी और हिटलर पावर में आ गया। तो ये मिलिट्री का लीडर था फिर, लेकिन अपने आप को इसने, तो ये जर्मन वर्कर्स पार्टी का लीडर था, बाद में उसने पार्टी को नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम दे दिया, और बाद में ये नाजी पार्टी कहलाई, और जो इसका कॉन्सेप्ट था वो नाजिज्म कहलाया।
तो ये सिर्फ जर्मन लोगों को ही, जो जर्मन रेस की ब्लू वाइट जर्मन थे, जो नॉर्डिक नॉर्डिक आर्यन थे, उनको ये बढ़ावा देना चाहता था। और ये इसका ये मानना था कि नाजी कॉन्सेप्ट क्या है कि जर्मन रेस जो जर्मन जाति है वो बाकी लोगों में सुपीरियर है और उसको ही जिंदा रहने का अधिकार है, बाकी लोगों को मर जाना चाहिए। ऐसा सच वाज ए डेंजरस थॉट ऑफ हिटलर। और ही हैज प्रॉमिस्ड द जर्मन पीपल ऑफ जर्मनी दैट ही विल अगेन मेक द रेपुटेशन रीबिल्ड। तो इसने लोगों में इस तरीके से बात फैलाई कि प्रोपेगेंडा फैलाई कि हम आपको फिर से वो कोई भी जर्मनी की ख्याति वापस ला देंगे, व्हाट एवर द इंसल्ट इन 1918 एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज हैपेंड टू जर्मनी। तो लोगों ने इसे पसंद किया और अल्टीमेटली इसने वीमर रिपब्लिक पार्टी को हटाकर खुद गद्दी पा ली। सो ऑन 30th जनवरी 1933 करीब 13 साल तक रिपब्लिक ने जैसे तैसे राज किया। फिर उसके बाद 30th जनवरी 1933 में इसने वाइस चांसलर की उपाधि ले ली। सो ही बिकेम द चांसलरशिप ऑफ जर्मनी व्हिच वाज द टॉप मोस्ट पोस्ट इन द जर्मनी एंड ही हैज डिसमेंटल्ड द डेमोक्रेटिक रूल। नाउ इट वाज ए मोनार्कियल रूल। तो फिर से एक तरीके से एक आदमी का शासन हो गया। यू कैन से इट इज नॉट ही वाज ए मोनार्क, इट इज ए काइंड ऑफ ऑटोक्रेटिक रूल। जो ये चाहता था वही करना चाहता था। और इसके लिए उसने 30th जनवरी में ये चांसलर बना और 3rd मार्च को इसने एक इनेबलिंग एक्ट पास कर दिया जिसमें कि सारी पावर्स एंड सारे डिसीजंस लेने का अधिकार हिटलर को हो गया था। सो आफ्टर becoming the chancellor of Germany, he has passed famous enabling act and became dictator of Germany. All other political parties were banned other than Nazi and the affiliated party. वही पार्टी ही रह गई जो नाजी पार्टी थी और जो उसका सपोर्ट करती थी, only those party remained. He has taken complete control over economy, media, आर्मी एंड जुडिशरी, सब कुछ उसके कंट्रोल में आ गया, यहाँ तक कि न्याय व्यवस्था भी उसके कंट्रोल में आ गई। नाजी पार्टी ने मिलिटराइजेशन शुरू किया, बहुत बड़ी नाजी आर्मी बनाई जिसका कि स्वास्तिक का चिन्ह होता था, दैट इज सम क्रॉस लाइक, जैसे हिंदू रिलीजन होता है वैसा ही इसके फ्लैग का साइन था, लाइक इट इज स्वास्तिक, इट हैज बीन क्लियरली शोन। एंड हिटलर वाज गुड ओरेटर, वो बहुत अच्छा प्रवक्ता था। सो बाई इफेक्टिव ओरेटिंग स्किल्स, बहुत अच्छी स्पीच से वो लोगों को मेस्मराइज कर देता था, मंत्रमुग्ध कर देता था। सो इन दिस वे ही हैज इजिली स्प्रेड हिज प्रोपेगेंडा। हिज मिलिट्री वाज लार्जेस्ट मिलिट्री एंड ही डिफाइड ऑल द रूल्स एंड बैंस विच वर इम्पोज ऑन आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑन इंपीरियल जर्मनी। शाही जर्मनी पर जितने भी प्रतिबंध लगाए गए थे उसने सबको मानने से इनकार कर दिया और कोई देश कुछ नहीं कर पाया। इन दिस वे उसने जर्मनी की पावर को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया। इंग्लैंड ने यहां तक जर्मनी को कहा गया था कि अपनी सेना को वर्ल्ड टैक्स के ऊपर इंक्रीज ना करे, लेकिन उसने वो भी नहीं माना, मिलिटराइजेशन को इंक्रीज करना भी शुरू कर दिया। यू कैन सी हाउ लार्ज इज द मिलिट्री ऑफ जर्मनी एंड विद पॉम्प एंड शो, पूरी शान शौकत के साथ वो अपनी जर्मनी का परेड निकल, मिलिट्री का परेड निकलवाता था, लोगों में दिखाता था कि कितना पावरफुल है। उसने अपने जितने भी अपोजिशन लीडर्स थे या दूसरे लोग थे जो उसको अपोज करते थे सबको एग्जीक्यूट करा दिया, डिक्टेटर बन चुका था। और एंड इन दिस वे ही स्टार्टेड इंक्रीजिंग पावर्स। अदर अलाइड कंट्रीज जैसे कि जो दूसरे कंट्रीज थे, रशिया थे, यूएसए थे, ब्रिटेन थे, वो सब लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे, देवर मीट ऑब्जर्वर, सिर्फ वो देख रहे थे और उन्होंने कुछ भी नहीं किया। नाउ ही वाज डॉफ टाइप बॉनिकट का, बट इस